टेक्नोराइज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम रेल फ्री फास्टनिंग्स के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, जिसे हम लोग जीरो रिस्ट्रेंट फास्टनिंग भी बोलते हैं। ये आमतौर पे गर्डर ब्रिज पे लगाए जाते हैं, अनबलास्टेड ट्रैक जहां पर होते हैं वहां पर लगाए जाते हैं। क्या रीजन है रेल फ्री फास्टनिंग को प्रोवाइड करने का अनबलास्टेड डेक पर, इसको आज हमें जरा समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले IRPW में कहाँ पर रेल फ्री फास्टनिंग के बारे में जिक्र किया गया है, कहाँ पर मेंशन किया गया है, पहले हम वो देख लेते हैं, फिर आगे दूसरी चीजें डिस्कस करेंगे हम। तो आप देखेंगे तो IRPW में चैप्टर टू जो है हमारा, उसके अंदर पैरा 226 रेल एंड रेल जॉइंट्स ऑन ब्रिजेस, ये ट्रैक स्ट्रक्चर ऑन ब्रिजेस के बारे में जहां पर बात हुई है उसके अंदर इसके बारे में मेंशन किया है। ठीक है, तो ये जो है क्यों यहाँ पर है, आपको यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रिकॉशंस फॉर अरेस्टिंग क्रीप, ट्रैक ऑन गर्डर ब्रिजेस विद अनबलास्टेड डेक इज ऑलवेज लेड विद रेल रेल फ्री फास्टनिंग इन ऑल केसेस। यानी कि गर्डर ब्रिजेस पे अनबलास्टेड डेक में कभी भी अगर हम ट्रैक बिछाएंगे तो वहां पर रेल फ्री फास्टनिंग हमको बिछाना है, बाकी सारे कंडीशंस वगैरह हम छोड़ देते हैं, बस मुझे यहाँ पर आपको रेल फ्री फास्टनिंग जो है हमारा आज का टॉपिक यही है, तो इसके बारे में हम जरा एम्फसाइज करेंगे। ठीक है, नीचे डायग्राम एक टिपिकल दिया हुआ है कि किस तरीके से रेल फ्री फास्टनिंग लगाई जाती है, इस डायग्राम को हमें जरा समझना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो पोर्शन है हमारा, ये हमारा ट्रैक एम्बैंकमेंट या कटिंग में जैसा भी होता है, आमतौर पर अगर गर्डर ब्रिज है तो आजू बाजू में एम्बैंकमेंट तो जरूरी होगा, तो ये आपका जमीन पे जो ट्रैक होता है ये ट्रैक हो गया। अब ये जो बचा पोर्शन है हमारा जो है गर्डर का पोर्शन, वो है आपका ये वाला पोर्शन, गर्डर का पोर्शन है। ठीक है, तो आप इसमें देखिए कि यहाँ पर आमतौर पे यहाँ पर इसको देने की क्या जरूरत है, जरा हम एक डायग्राम थोड़ा सा बना के आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश। देखिए यहाँ पर अभी मैंने यहाँ पे कुछ डायग्राम से थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ये समझो हमारा ये जो गर्डर ब्रिज है, यहाँ पर सपोज देर इज सम ट्रेन पासिंग थ्रू। ठीक है, जब ट्रेन पास हो रही है तो आयनिंग इफेक्ट की वजह से भी क्रीप आता है। ऑलरेडी हम जानते हैं कि नीचे ब्रिज में हर जगह पे जो है ब्रिज के गर्डर के नीचे बेयरिंग दी जाती है। यहाँ पे देखिए आप तो है रोलर बेयरिंग दिया है और यहाँ पे रॉकर बेयरिंग दिया है ना, एंगुलर मूवमेंट के लिए, यहाँ पे लीनियर मूवमेंट के लिए, स्लाइडिंग बेयरिंग, इस तरीके से अलग अलग टाइप्स की बेयरिंग है। अल्टीमेट पर्पस यही होता है कि स्लाइडिंग मूवमेंट और रोटेशन को कंट्रोल करने के लिए दिया जाता है। बट सपोज यहाँ पर हम ब्रेकिंग करते हैं किसी वजह से, सपोज वी आर अप्लाइंग ब्रेक या कोई ज्यादा डायनेमिक लोड जो आ जाएगा, थ्रस्ट आ जाएगा, तो व्हाट विल हैपन, दीज बेयरिंग्स जो हमने बेयरिंग डिजाइन करके रखी है, ये एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ लॉन्जिट्यूडनल मूवमेंट के लिए डिजाइन है, उससे ज्यादा के लिए डिजाइन नहीं है। यहाँ पर अगर ब्रेक लगाया जाता है या कुछ इमरजेंसी सिचुएशन अराइज होती है, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, ग्राउंड पे अगर हम ब्रेक अप्लाई करेंगे तो जो है वो फोर्स जो है ग्राउंड में ट्रांसमिट हो जाता है, वहां पर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर ये फोर्स जो है, अगर हमारा रेल फ्री फास्टनिंग नहीं होगा तो व्हाट विल हैपन, फोर्स डायरेक्टली रेल टू स्लीपर, स्लीपर टू ये गर्डर आएगा और गर्डर से ये बेयरिंग पर जाएगा, तो देर आर चांसेस ऑफ गर्डर्स गेटिंग डिसलोकेटेड। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड इट हम क्या करते हैं, यहाँ पर रेल फ्री फास्टनिंग प्रोवाइड करते हैं। दैट मीन्स यहाँ की जो रेल होती है इसको हम जो है रिस्ट्रेन करके नहीं रखते लॉन्जिट्यूडनल मूवमेंट के लिए, इसको सिर्फ रोटेशन ओवरटर्न ना हो उसके लिए होल्ड करके रखते हैं, बाकी लॉन्जिट्यूडनल मूवमेंट हम यहाँ पर अलाउ करते हैं। अब ये बेसिक पर्पज है रेल फ्री फास्टनिंग प्रोवाइड करने का अनबलास्टेड ट्रैक में गर्डर ब्रिजेस में। ठीक है, चाहे फिर वो कोई भी कंडीशंस हो, LWR पास करने का, CWR पास करने का, लेकिन यहाँ पर जैसे मैनुअल ने कहा है, ट्रैक ऑन गर्डर ब्रिजेस विद अनबलास्टेड डेक इज ऑलवेज लेड विद रेल फ्री फास्टनिंग इन ऑल केसेस, केसेस कोई भी होने दो हमेशा जो है रेल फ्री फास्टनिंग ही हम लगाते हैं, ये बात हमको यहाँ पर समझने की है। ठीक है, अब इसका एग्जैक्टली किस तरीके से प्रोविजन हम लोग करते हैं ये हमको भी आगे देखना है।
देखिए अभी हमारे इंडियन रेलवेज में रेल फ्री फास्टनिंग जो है किस तरीके से प्रोवाइड की जाती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर हम बात अगर करें हैं ब्रिज पर रेल फ्री फास्टनिंग की, तो सबसे बेटर तो दोस्तों वुडन स्लीपर्स हैं। वुडन स्लीपर पे हम रेल फ्री फास्टनिंग लगाएंगे तो ब्रिजेस के लिए सबसे बेस्ट है। बट बिकॉज आज की तारीख में वुड हमारे पास एम्पल अमाउंट में नहीं है, इस वजह से वी आर प्रिफरिंग टू चैनल स्लीपर्स, स्टील स्लीपर्स। एंड उसके अंदर भी जो सबसे मोस्ट कॉमन पॉपुलर है वो है हमारे स्टील चैनल स्लीपर्स, ठीक है, जिसका डायग्राम आपके सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है हमें आज ये जानना है। इसके अलावा भी हमारे पास आज की तारीख में एच बीम भी हमने यूज कर रहे हैं। इसके अलावा वर्ल्ड रेलवेज में अगर हम देखेंगे तो रेल फ्री फास्टनिंग के बहुत सारे टाइप्स है, बहुत सारे प्रकार है, लेकिन इंडियन रेलवेज जो यूज कर रहा है स्टील चैनल स्लीपर का रेल फ्री फास्टनिंग, एक हमको वो देखना है और दूसरा हमारा जीरो रिस्ट्रेंट फास्टनिंग जो एच बीम वगैरह के लिए आया है उसे हमको देखना है। ये वाला पहले हम देख लेते हैं चैनल स्लीपर पे किस तरीके से रेल फ्री फास्टनिंग लगाई जाती है और लॉजिक क्या है। जैसे मैंने आपसे कहा था दोस्तों, इस रेल को अगर हम ऑब्जर्व करें यहाँ पे, ये जो है कनेक्शन, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो है हमारी जो रेल, में यहाँ पे मार्क करता हूँ, ये दोनों हमारी रनिंग रेल है और जो बीच में हम देख रहे हैं ये हमारी गार्ड रेल से। तो हमारा फोकस इस पर नहीं है, हमारा फोकस जो है सिर्फ और सिर्फ हमारी रनिंग रेल पर है कि इसमें कनेक्शन किस तरीके से है, क्योंकि ये रनिंग रेल पर ट्रेन चलती है, ठीक है। तो इसी को यहाँ पर फिर एलाबोरेट करके दिखाया गया है, आप यहाँ देखें गौर से। तो ये जो है हमें अभी समझना है कि इसके अंदर ऐसी क्या खास बात है। इस डायग्राम में अगर हम देखेंगे तो ये देखिए जो ग्रीन कलर की जो ये रेल है इसके नीचे रबर पैड है और ये जो है आप जो देख रहे छोटा सा पीस मेटल का, इसको थोड़ा सा मैं कलर कर देता हूँ, दिस वन दिस इज नथिंग बट क्लीट, इसे हम कहते हैं क्लीट। ये जो क्लीट है दोस्तों यहाँ पर दो काम करती है, लाइनर का भी काम करती है और बोल्ट के साथ में मिल के ये ईआरसी जो हमारा काम करती है वो काम भी करती है, दोनों ही काम यहाँ पर करती है। अब इसी डायग्राम को हम यहाँ पर अभी देखते हैं जो एक्चुअल इमेज है इसमें। ये तो हो गई बीच वाला जो है आपका, हो गया आपका रेल, दिस इज योर रेल, नीचे रबर पैड, बिकॉज मेटल का देखो ट्रैक सर्किटिंग हमें करना है तो हमें इंसुलेशन देना है, तो इसलिए नीचे जो है रबर पैड दे दिया और ये साइड में क्लीट है। देखिए आम तौर पे हम ईआरसी लगाते हैं, हमारे नॉर्मल जो बलास्टेड डेक होता है, बलास्टेड ट्रैक होता है हमारा सेक्शन का, तो वहां पर हम क्या करते हैं ईआरसी लगाते हैं। ईआरसी जब लगाते हैं तो ईआरसी का मकसद जो है पहले इसे समझ लेते हैं तो हमें ये समझने में आसानी होगी। ईआरसी लगाने के पीछे हमारा दो मकसद होता है। पहला काम तो ये है कि ईआरसी हमारी जो होती है रेल को ओवरटर्न होने से रोकती है, क्योंकि हमारी जब ट्रेन चलती है तो एक गेज फेस से ही चलेगी, गेज फेस पर ही फ्लैंज जाएगा, तो इसकी हमेशा टेंडेंसी रहेगी रेल को क्या करें टिल्ट आउटसाइड, आउटसाइड में टिल्ट करने की कोशिश करें। तो ईआरसी का पहला काम तो ये हो गया हमारा कि रेल को होल्ड करके रखे अपनी पोजिशन में, यानी वर्टिकलिटी उसकी मेंटेन करे, पहला बात, पहली बात तो ये हो गई। दूसरा काम ईआरसी का ये होता है कि जो रेल का जो लॉन्जिट्यूडनल मूवमेंट होता है जिसे हम लोग क्रीप कहते हैं, क्रीप को अरेस्ट करना, क्रीप को अरेस्ट करना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं हमारी ईआरसी पे जितना ज्यादा हम टो लोड देंगे उतना क्रीप रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। जैसे जैसे हमारी ईआरसी सर्विस में आती है, यूज होती है, धीरे धीरे वो कमजोर होती है, तो जो है हमारा टो लोड कम होता है, जब टो लोड कम होता है तो क्रीप रेजिस्टेंस कम हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे हमने डिस्कस किया अभी मैनुअल में, अभी मैंने आपको रेफरेंस दिया था कि रेल फ्री फास्टनिंग प्रोवाइड करना है, तो यहाँ पर जो हमने जो ये क्लीट प्रोवाइड किया है, ये क्लीट सिर्फ एक काम करता है यहाँ पर, एक काम तो वो लाइनर का कर ही रहा है गेज वगैरह मेंटेन करने के लिए, दूसरा इंसुलेशन भी करेगा जो है ट्रैक सर्किटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये जो क्लीट्स हैं रेल को ओवरटर्न होने से रोक रहे हैं, ये जो रेल है ये बाहर की तरफ ना चली जाए, गेज फेस पे ट्रैक
प्लान लगने की वजह से बाहर ना चली जाए, इस वजह से यहाँ पर इट इज जस्ट होल्डिंग योर रेल। और यहाँ पर जो नीचे का हिस्सा है, तो रेल का जो ये फुट का जो टॉप का हिस्सा और क्लीट का बॉटम का हिस्सा, यहाँ पर आप ये समझ के चलिए कि हमें दिखता तो है कि इसने रेल को होल्ड करके रखा, बट इट इज एक्चुअली नॉट होल्डिंग द रेल, इट इज जस्ट टचिंग द रेल। ऐसा या तो ऐसा कहा जा सकता है कि पेपर गैप होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मकसद हमारा ये बिल्कुल भी नहीं है कि रेल को पकड़ के रखा जाए, यहाँ खाली ओवरटर्निंग से रोकना है। वॉट एवर द फोर्सेस कम ऑन द ब्रिज यहाँ पर, तो रेल में जो भी क्रीप फोर्सेस आएंगे, तो रेल फ्री फास्टनिंग हमारी क्या करती है, उसको आगे पीछे जाने के लिए देती है। तो इस तरीके से इसका फंक्शनिंग है। ये हो गया हमारा चैनल स्लीपर के बारे में, ये रेल फ्री फास्टनिंग और चैनल स्लीपर। इसको मैं और आगे डिस्कस करता हूं। देखिए, अब इस डायग्राम में आप देखिए, इमेज तो आपने देख ली थी, अब यहाँ पे मैंने पिक्टोरियली एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ये हमारा जो है चैनल स्लीपर जो हमारा है, उसका टॉप पोर्शन है, टॉप प्लेट है, नीचे ये रबर पैड है, ये आपकी रेल हो गई। ब्लू कलर से जो मैंने शो किया है, ये हमारी रेल क्लीट है, और विच इज बोल्टेड, जिसको हम बोल्ट से टाइट करके रखते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि मैं यहाँ पे जो इमेज में नहीं देख पा रहा था, वो यहाँ पे मैंने बनाया है कि यहाँ पर रेल को ओवरटर्न होने से रोका है, तो थोड़ा सा पेपर गैप, यहाँ थोड़ा मैंने कोशिश की है बताने की, थोड़ा ज्यादा हो गया, बट ये समझने की बात है। तो यहाँ पर जस्ट टच करना है इसको रेल को, इफ द रेल वॉन्ट्स टू मूव फॉरवर्ड, आगे पीछे जाना चाहे तो रेल को जाने दिया जाएगा, जस्ट ओवरटर्निंग से यहाँ पर रोका है। और यहाँ पर क्योंकि हमको इंसुलेशन करना है, स्टील का जो है चैनल स्लीपर है, तो नीचे जो रबर पैड आप देख रहे हैं, और साइड वेज जो है ये जो क्लीट है, इसका जो है रेल के कांटेक्ट में आने वाला पोर्शन, ये दिस इटसेल्फ इज अ रबराइज मटेरियल, यानी कि ये रेल को अगर टच भी हो गया तो शॉर्ट नहीं करेगा। इस तरीके का अरेंजमेंट हमारे चैनल स्लीपर के अंदर रेल फ्री फास्टनिंग का होता है। इमेजेस मैंने आपको दिखाए थे, मैं एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये सारे इमेजेस आपके सामने हैं, ठीक है, अलग अलग एंगल से इसको शो किया है। अब हम आगे पढ़ेंगे एच बीम में क्या प्रोविजन किया है, एच बीम में क्या प्रोविजन किया है और क्यों किया है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये हमारा जीरो रिस्ट्रेंट फास्टनिंग, यानी कि ये भी रेल फ्री फास्टनिंग ही इसको हम बोलते हैं, इसको जीरो रिस्ट्रेंट फास्टनिंग नाम दिया गया है, ओवर एच बीम करके दिया है। तो यहाँ पर क्या चेंजेस किए गए हैं चैनल स्लीपर में, चैनल स्लीपर में दो जो है सी चैनल थे, उनको आपस में प्लेट लगा के जोड़ा था हमने, बिकॉज जो हमारे डॉग बोल्ट्स वगैरह थे उनको बीच में से पास होना था। यहाँ पे हमने चैनल स्लीपर में क्या किया है, सबसे मेन बात तो यहाँ पर हमने प्लेट को रिवेट कर दिया है, जो रेल का जो ट्रैक का जो कनेक्शन है, यहाँ जो प्लेट आप देख रहे हैं इट इज रिवेटेड, इस वजह से यहाँ पे एच बीम जो है हमने जो बनाया है, ये इसमें बीच में दो दो पीसेस नहीं है, इट इज ओनली वन पीस, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर आप देखेंगे हमारा जो रेल फ्री फास्टनिंग चैनल स्लीपर का था, उसमें एक दिक्कत थी। दिक्कत क्या थी, मैं जरा आपको जो टिपिकल डायग्राम बनाया था उससे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ये डायग्राम अगर आप देखेंगे, यहाँ पर अगर हमारे ट्रैक में सपोज वी नीड टू चेंज रेल, हमको रेल बदली करना है, इन दैट केस व्हाट वी नीड टू डू, ईच एंड एवरी स्लीपर पे जाके ये बोल्ट को आपको ओपन करना पड़ेगा, क्लीट को निकालना पड़ेगा, तभी जाके आपकी रेल फ्री हो पाएगी, आप रेल को बदली कर सकते हो। यानी कि मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा डिफिकल्ट है। दूसरी बात, आपकी जो क्लीट है क्योंकि बोल्टेड है, तो गाड़ी जैसे जैसे चलेगी वैसे वैसे वाइब्रेशन होने से बोल्ट्स लूज होंगे, तो बार बार आपको जो है इसको पीरियोडिकली मेंटेनेंस करना पड़ेगा, बोल्ट्स को टाइट करते रहना पड़ेगा। तो उसकी जगह अब यहाँ पर आप जीरो रिस्ट्रेंट फास्टनिंग में देख लीजिए कि यहाँ पर क्या है। यहाँ पर जैसे हमारे ट्रैक पे आम तौर पे हम चाबी लगाते हैं, ईआरसी लगाते हैं, बिल्कुल वही मैकेनिज्म यहाँ पर किया गया है। इसको जरा हमको समझना पड़ेगा कि इसके अंदर फर्क क्या है, खाली अपने को ये समझना है। यहाँ पर आप देखेंगे कि किसी भी प्रकार का कोई भी बोल्ट नहीं है, तो ये मेंटेनेंस फ्री स्लीपर बोल सकते हैं हम इसको। इसमें सिर्फ और सिर्फ ये चैनल स्लीपर को आपको कनेक्ट करना है गर्डर के साथ में, उसके अलावा और कोई कनेक्शन नहीं है।
प्लेट्स को हमने रिवेटिंग कर दिया है। अब यहाँ पर ये जो पोर्शन है रेड वाली, तो हमारी कन्वेंशनल ईआरसी हो गई। ये जो ब्लैक वाला पार्ट है, मैं आपको बाद में इलाबोरेट करके आगे और दिखाऊंगा, ये जो पार्ट है दिस एक्ट्स एज अ लाइनर एंड जीरो रिस्ट्रेंट, दोनों का काम करता है ये। अब यहाँ पर बेसिक अगर मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम बात करें, तो आप देखें कि जो ईआरसी है जो रेड कलर में यहाँ शो किया है, आपने ईआरसी को निकाला, उसके बाद में जो इसको ऊपर से हाउस किया ये ब्लैक वाले को, ठीक है, जो जीरो रिस्ट्रेंट फिटिंग का पार्ट है, इसको हमने ऊपर से निकाल दिया, आपकी रेल फ्री हो गई, यू कैन चेंज द रेल, ठीक है। इसी तरीके से ईआरसी हम जानते ही है कि ईआरसी लूज हो गई, हैमरिंग करता हमारा कीमैन, बड़ी आसानी से वापस से वो अपनी पोजीशन में आ जाती है, कोई यहाँ पे स्पैनर वगैरह लेके आपको घूमने की जरूरत नहीं है। एक ये इसका फायदा है। अब इसका कॉन्सेप्ट कैसा है, इसको यूज कैसा करते हैं, ये जरा हम देखेंगे यहाँ डायग्राम में, थोड़ा ज्यादा डिटेल में आपको समझ में आएगा। इस डायग्राम को आप देखिए, ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए टाइम का ही है, इस डायग्राम की मैं बात कर रहा हूँ, पहले वाले की। ये हमारी एच बीम बनाई जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें ये ईआरसी और ये प्लेट, यहाँ पर थोड़ा और डिटेल में देखने को मिल रहा है, ये जो पार्ट है दिस थिंग ओनली इज एक्चुअली वर्किंग एज अ रेल फ्री फास्टनिंग। हम आमतौर पर यहाँ पर लाइनर लगा देते हैं, या लाइनर ना लगाते हुए ये जो फिटिंग यहाँ पर लगाई गई है रेल फ्री फास्टनिंग, ये क्या काम करती है, ये आप जब ईआरसी लगाओगे ड्राइव करोगे तो ये जो है लोड एग्जर्ट करेगी, ईआरसी का लोड जो है इसके ऊपर आएगा। बट अगेन आप यहाँ पर गौर से देखें, यहाँ पर भी पेपर गैप है, ठीक है, यहाँ पर भी पेपर गैप है, तो इसकी वजह से हमारी रेल ओवरटर्न होने से तो बच गई, लेकिन लॉन्जिट्यूडनल मूवमेंट जो हम अलाउ करना चाहते थे वो हम लोग अलाउ कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप डायग्राम में देखेंगे, यहाँ पर अभी देखो ये दोनों डायग्राम्स में आप देखेंगे तो नीचे रबर पैड लगी हुई है, यहाँ पर रेल नहीं लगी हुई है, तो हमको ये बराबर पूरा क्लियरली ये ग्रूव देखने को मिल रहा है कि ये जो पोर्शन है इसमें रेल का फुट हमारा आता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारी रेल यहाँ पर आके फिट हो जाती है, ठीक है। ये यहाँ पर लॉजिक है, यानी कि इसको बदली करना है तो बड़ा आसान है, आप चाबी को निकालो, चाबी को आपने निकाला तो ये जो साइड का पेरिफेरी में है जो आपको बंगड़ी की तरह पिनाया हुआ है ये निकल जाएगा। इसमें रिवेटेड प्लेट है तो ये इस प्लेट के अंदर इंसर्ट ऑलरेडी लगी हुई है, ये देखिए आप इंसर्ट यहाँ पर जो जैसा हमारे ट्रैक में होता है वैसे इंसर्ट है, इंसर्ट में हमने चाबी लगा दी है। हमको क्या करना है, ईआरसी निकालना, और ये जो लाइनर है जो कि बिल्कुल एक हाउसिंग किया गया है एक बंगड़ी की तरह, वो यहाँ से निकाल दिया तो आप रेल आसानी से बदली कर सकते हो। तो ये यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही है, हमारा मेंटेनेंस का काम आसान हो जाए। जो नॉर्मली क्लीट को टाइट करना है, रेल बदली करना है, तो क्लीट को ओपन करो, फिर रेल निकालो, फिर फिट करो, डेली बेसिस पे स्पैनर लेकर जाएगा कोई, जाके उसको टाइट करेगा, वाइब्रेशन से अगर क्लीट वीक हो गई, ये सारी दिक्कतें थी। अब ये जो है एच बीम, अभी मे बी फ्यूचर में अभी सभी जगह पे धीरे धीरे चैनल स्लीपर जब निकलेंगे तो एच बीम ही डाली जाएगी, और जब एच बीम डाली जाएगी तो इस प्रकार की फिटिंग आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये मैंने आज आपको अपने वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिया कि सबसे पहली बात तो रेल फ्री फास्टनिंग की आवश्यकता क्या है, जरूरत क्यों महसूस होती है, तो इन ऑर्डर टू अरेस्ट क्रीप, पहली बात तो ये। दूसरा उसके मैंने जैसे कहा वर्ल्ड रेलवेज में कई प्रकार के रेल फ्री फास्टनिंग्स है, लेकिन इंडियन रेलवे जो है चैनल स्लीपर लार्ज स्केल पे यूज करता है, तो वहां पर जो है हमारा जो है क्लीट वाला जो कॉन्सेप्ट था, क्लीट के कॉन्सेप्ट से हम वहां पे रेल को अरेस्ट करते थे। अब जो लेटेस्ट में चल रहा है ये है हमारी एच बीम, दिस एच बीम स्लीपर जो है ये हमारी आ रही है, जिसके अंदर बोल्ट्स वगैरह बहुत कम कर दिए गए हैं, नॉर्मल ट्रैक की तरह इसे बना दिया गया है, सिर्फ लाइनर में चेंज कर दिया गया है, लाइनर पूरा जो है इंसर्ट का हाउस करता है और उसमें फिर चाबी लगाई जाती है, तो ये यूज होता है। अब यहाँ पर एक चीज है कि हमारे जो यहाँ पे ईआरसी हम जो यूज करते हैं, कौन सी ईआरसी है, सवाल उठता है कि यहाँ पे हम ईआरसी कौन सी यूज करना, तो ये हमारी जो है कन्वेंशनल Mark 3 ERC ही यूज करना है, Mark 3 ERC ओनली हैज टू बी यूज, यहाँ पर कोई दूसरी ईआरसी हम लोग नहीं यूज करेंगे।
दूसरी ERC का मतलब क्या? मार्क फाइव ERC नहीं यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके यहाँ पे लॉजिक क्या है मैं आपको बताता हूँ। टो लोड का लॉजिक है। देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये ERC, ये दोनों जो यहाँ पर जो हम जो भी चाबियां लगाते हैं, मार्क थ्री ERC। अब सपोज मार्क फाइव ERC हम लेते, तो मार्क फाइव ERC का डायमीटर ज्यादा रहता है, वो ज्यादा टो लोड देता है, तो क्या करेगा? इट विल एक्सर्ट मोर प्रेशर। ये क्या करेगा? ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा। ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा तो क्या होगा? ये जो यहाँ पे जो हमको रेल को फ्री रखना था, वो उसको दबा के रखेगा। इट विल होल्ड द रेल, तो क्रीप को अरेस्ट करके रखेगा, वो रेल को फ्री रहने नहीं देगा। तो हमारा जो मकसद है पूरा नहीं होगा। इस वजह से नो मार्क फाइव ERC टू बी यूज इन दिस केस, ओनली मार्क थ्री ERC हैज टू बी यूज। तो दोस्तों ये एक छोटी सी हमारी आज की वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। आप जो है फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।